भारत माता की। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्री सीआर पाटिल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम रूपाला जी, मनसुख मांडविया जी, डॉक्टर महेंद्र मुजफरा जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री वजूभाई वाला, श्री विजयभाई रूपाणी, पटेल सेवा समाज ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी, सभी दाता, विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए यहां पधारे हुए पूज्य संतगण, गुजरात सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, और इतनी गर्मी के बावजूद भी आठ कोट में इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि आज यहां मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। ये हॉस्पिटल सौराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब सरकार के प्रयास में जनता का प्रयास जुड़ जाता है तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी अनेक गुना बढ़ जाती है। राजकोट में बना यह आधुनिक अस्पताल एक इसका बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है। भाइयों और बहनों, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राष्ट्र सेवा के आठ साल पूरे कर रही है। आठ वर्ष पहला तमें बधाए मने विदाय आपी थी। परंतु तमारो प्रेम वधतो ज जाय छे। आज जब गुजरात की धरती पर आया हूं तो मैं सर झुका करके गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करना चाहता हूं। आपने मुझे जो संस्कार दिए, आपने मुझे जो शिक्षा दी, आपने जो मुझे समाज के लिए कैसे जीना चाहिए ये जो सब बातें सिखाई, उसी की बदौलत गत आठ वर्ष मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि आठ साल में
गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। इन 8 सालों में हमने पूज्य बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। पूज्य बापू एक ऐसा भारत चाहते थे जो हर गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारी माताएं बहने, उन सबको सशक्त करे, जहां स्वच्छता और स्वास्थ्य जीवन पद्धति का हिस्सा बने, जिसका अर्थतंत्र स्वदेशी समाधानों से समर्थ हो। साथियों, 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल, 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है। प्रमाण साथियों, भाइयों और बहनों, गरीबों की सरकार होती है तो कैसे उसकी सेवा करती है, कैसे उसे सशक्त करने के लिए काम करती है, ये आज पूरा देश देख रहा है। 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में, कोरोना महामारी के इस समय में भी देश ने ये लगातार अनुभव किया है। महामारी शुरू हुई तो गरीब के सामने खाने पीने की समस्या हुई तो हमने देश के अन्न के भंडार देशवासियों के लिए खोल दिए। हमारी माताओं बहनों को सम्मान से जीने के लिए जनधन बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए, किसानों और मजदूरों के बैंक खाते में पैसे जमा किए, हमने मुफ्त गैस सिलेंडरों की भी व्यवस्था की ताकि गरीब के घर की रसोई चलती रहे, उसका घर का चूल्हा कभी बुझ न पाए। जब इलाज की चुनौती बढ़ी तो हमने टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट की सुविधाओं को गरीब के लिए सुलभ कर दिया। जब वैक्सीन आई तो हमने ये सुनिश्चित किया कि हर भारतीय को वैक्सीन लगे, मुफ्त लगे। तुम्हारा बताना, वैक्सीन लाग्या जने? टीकाकरण थई गयु जने? कोई ने काणी पाई आपी पड़ी जे?
एक रुपयो खर्चवो पड़े छे। भाइयों बहनों, एक तरफ कोरोना का ये विकट समय, वैश्विक महामारी, और आजकल तो आप देख रहे हैं युद्ध भी चल रहा है। टीवी पर आधा समय युद्ध की खबरें हर किसी को चिंतित करती है। इन परिस्थितियों में भी हमने निरंतर प्रयास किया कि हमारे गरीब भाई बहन को, हमारे मिडिल क्लास को, मध्यम वर्ग के भाई बहनों को मुश्किल का सामना करना न पड़े। अब हमारी सरकार सुविधाओं को 100% नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। जो जिस बात का हकदार है उसे उसका हक मिलना चाहिए। जब हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचने का लक्ष्य होता है तो भेदभाव भी खत्म होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रहती, न भाई भतीजावाद रहता है, न जात पात का भेद रहता है। इसलिए हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को सैचुरेशन तक 100% तक पहुंचाने में जी जान से जुटी हुई है। राज्य सरकारों को भी हम लगातार इस काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास देश के गरीब को, देश के मध्यम वर्ग को सशक्त करेगा, उनका जीवन और आसान बनाएगा। अने आजे जा रहे यहां जसदण में पहलू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अने आटकोट में अने मने आयो तो हॉस्पिटल जोवा जवानो अवसर मळ्यो, बधा दाताओनो दर्शन करवानो मौको मळ्यो, ट्रस्टीओने मळवानो मौको मळ्यो। अने ट्रस्टीओ मने कह्युं छे के साहेब पाछू वळीन जोता ज नहीं, अहीं कोई पण आवशे ने क्यारे पाछो नहीं जाए। आ ट्रस्टीओना शब्दों, एमनी भावना, अनेक आधुनिक हॉस्पिटल अपना घरांगणे, हूँ भरतभाई बोगरा ने, पटेल सेवा समाज ना सब साथियों ने, जेटला अभिनंदन आप एटला जाजे। पटेल सेवा समाजे समर्पित भाव थी आज ज्या एक मोटू काम कर्यु छे, एना माटे आप सौ अभिनंदन अधिकारी छो। अने आमाथी प्रेरणा लईने अनेक लोको समाज माटे कई ने कई करवानी इच्छा राखशे। सामान्य रीते कोई कारखाना नू उद्घाटन करवा गया होइए, कोई बस स्टेशन नू उद्घाटन करवा गया होइए, रेलवे स्टेशन नू उद्घाटन करवा गया होइए, तो आपना मन थी वही कही है कि भाई तमारू बधुं काम आगळ वधे, खूब आगळ वधे, खूब लोको प्रवास करे, कारखाना में उत्पादन खूब सरस थाय, पण हवे हॉस्पिटल में शू कहेवू बोलो। हवे हूँ तो एम तो ना कहूं के भरेली रहे, एटले मैं उद्घाटन तो कर्युं छे, पण आपणे समाज में एवी स्वस्थता माटेनुं वातावरण बनावीए के आ हॉस्पिटल खाली ने खाली ज रहे, कोई ने आवुं ज न पड़े।
अने जो सौ स्वस्थ होय तो क्यारे कोई ने आवू न पड़े, अने जो आवू ज पड़े तो पहला करता है त्याजो तम तम तो थईने घेर पाछो जाए। आवू काम आ हॉस्पिटल में थवानुं छे। आजे गुजरात में स्वास्थ्यनी बाबत में जे हरणफाळ भरी छे, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार थयुं छे, जे स्तर पर काम करवामां आवी रह्युं छे, भूपेन्द्र भाई ने एमनी पूरी टीम ने हृदय थी अनेक अनेक अभिनंदन आपू छु। अने आनो लाभ गुजरात ने खूणे खूणे सामान्य मां सामान्य मानवी ने पण मळवानो छे। अने आजे अमारू आटकोट तो जगह एवी कि आजूबाजूना त्रण चार जिला ने एम लागे कि अमारू पासे ज छे। बधा थवड़ा निकळ्या के अर्धा पौणा कलाक बे कलाक कलाक में पहुंचा भेगा छे। आप तो जाणो छो हवे आपणा त्यां राजकोट में गुजरात ने जे एम्स मळी छे एनु काम राजकोट में तेज गति थी चाली रह्युं छे। थोड़ा दिवस पहला हूं जामनगर आव्यो तो अने जामनगर में विश्वनु ट्रेडिशनल मेडिसिन नु मोटू सेंटर WHO द्वारा आपणे जामनगर में एनो शिलान्यास कर्यो छे। आ बाजू जामनगर में आयुर्वेद, अहींया राजकोट में मारु एम्स, अने हवे अमारु आमा आटकोट में। आ बापुड़ी वत पड़ी गयो तमारे तो। साथियों बे दशक पहला हूँ तमारी सेवा मा मने मौको तमे आप्यो 2001 मा, त्यारे आपड़ा गुजरात मा मात्र ने मात्र 9 मेडिकल कॉलेजो हती। आ बधुं याद राखो छो भूली जाओ छो लया, आ नवी पेढ़ी ने कहजो पाछो, नहीं तो एमने तो खबर ज नहीं होय के शुं हाल हता। मात्र 9 मेडिकल कॉलेजो, अने डॉक्टर बनवानी इच्छा केटला बधानी होय त्यारे माड 1100 बैठको हती जेमांथी डॉक्टर माटे भणी सके। आवडुं मोटुं गुजरात 2001 पहला 1100 बैठा। अने तमने जाणीने आनंद थशे भाईओ के आजे सरकारी अने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजो मळीने 30 मेडिकल कॉलेज एकला गुजरात में छे। अने एटलू ज नहीं, गुजरात में पण अने देश में पण दरेक जिल्ला में एक मेडिकल कॉलेज बनावानी इच्छा छे। MBBS अने PG एनी मेडिकल सीटो एक जमाना में 1100, आज 8000 सीटो छे। 8000 भाईओ बहनो, अने एमां पाछू आपणे नवी हिम्मत करी छे। तमे मने को गरीब मां बाप ने पण दीकरो के दीकरी डॉक्टर बने भी इच्छा थाय के ना थाय, जरा को तो खबर पड़े, थाय के ना थाय, थाय के ना थाय। पण हवे एने पेलो पूछे कि तमे अंग्रेजी माध्यम में भण्या था कि गुजराती माध्यम में, हवे तमे अंग्रेजी माध्यम में भण्या हो तो डॉक्टर बनवानो दरवाजो खुले, तमे गुजराती माध्यम में भण्या हो तो तमे डॉक्टर नो दरवाजो बंद। हवे आ अन्याय छे कि नहीं? अन्याय छे कि नहीं भाई? आपणे नियम बदल्यो अने नक्की कर्यो के डॉक्टर थवुं होय एंजीनियर थवुं होय मातृभाषा में भणी
ને પણ થઈ શકાય અને લોકોની સેવા કરી શકાય। સાથીઓ, ડબલ એન્જિનની સરકાર, ડબલ લાભ તો હોય જ, હોય કે ના હોય। અને આપણા ગુજરાતવાળાને સમજાવવું પડે કે મોસાળમાં જમણ હોય ને માં પીરસનારી હોય। હવે આનો કઈ અર્થ સમજાવવો પડે ભાઈ। આ ડબલ એન્જિનની સરકારે ગુજરાતના વિકાસને નવી ઊંચાઈ પર પહોંચાડવા માટેનું કામ આદ્યું છે ભાઈઓ। વિકાસની આડેલી બધી અડચણો દૂર કરી છે અને એનો લાભ, તેજ ગતિથી વિકાસનો લાભ આજે એનો ગુજરાતને મળી રહ્યો છે। 2014 પહેલા ગુજરાતમાં એવા અનેક પ્રોજેક્ટ હતા કે દિલ્હીમાં એવી સરકાર હતી, ક્યાંયથી પ્રોજેક્ટ જાય ને તો એમને પ્રોજેક્ટ નહોતો દેખાતો, એમને અંદર મોદી જ દેખાય। અને એવું મગજ ફટકે તરત જ કેન્સલ, રિજેક્ટ, કેન્સલ, રિજેક્ટ, બધા કામોને તાળા મારી દીધા હતા। એટલી બધી ઉદાસીતા આપણી માં નર્મદા, તમે વિચાર કરો, આ નર્મદા માને રોકીને બેઠા હતા આ સરદાર સરોવર બાંધ બાંધવા માટે। આપણે ઉપવાસ પર ઉતરવું પડ્યું હતું, યાદ છે ને સાથીઓ? અને ઉપવાસે રંગ લાયા કે સરદાર સરોવર બાંધ બની ગયો, સૌની યોજના બની ગઈ અને નર્મદા માતા કચ્છ કાઠિયાવાડની ધરતી પર આવીને આપણું જીવન ઉજાળવા માંડી પડી। માત્ર આ કામ થાય છે આપણે ત્યાં। અને હવે તો સરદાર સરોવર બાંધ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, આખી દુનિયાનું સૌથી ઊંચામાં ઊંચું સ્ટેચ્યુ, આખી દુનિયામાં સરદાર સાહેબનું નામ ગુંજી રહ્યું છે ભાઈ। અને લોકો જાય તો અચરજ થાય છે કે આપણા ગુજરાતમાં આવડું મોટું કામ આટલું જલ્દી, એ તો ગુજરાતની તાકાત છે ભાઈ। ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના તેજ વિકાસનો લાભ ગુજરાતને મળ્યો છે। અભૂતપૂર્વ સ્પીડથી, અભૂતપૂર્વ સ્કેલ પર આજે ગુજરાતમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું કામ આગળ ધપી રહ્યું છે। એનો લાભ ગુજરાતના બધા જ ક્ષેત્રોને મળ્યો છે। એક જમાનો હતો કે ઉદ્યોગની વાત આવે તો માત્ર ને માત્ર વડોદરાથી વાપી, જે નેશનલ હાઈવે જાય એની બે બાજુ બધા કારખાના દેખાય, એ જ આપણો ઔદ્યોગિક વિકાસ હતો। આજે તમે ગુજરાતની કોઈ પણ દિશામાં જાઓ, નાના મોટા કારખાનાઓ, ઉદ્યોગો, પ્રવૃત્તિ પૂરજોશ ચાલી રહી છે। આપણો રાજકોટનો એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગ, મોટી મોટી ગાડીઓ ગમે ત્યાં બનતી હોય, ગાડી નાની બનતી હોય કે મોટી, પણ એમાં નાનો નાનો પૂરજો તમારા રાજકોટથી જ જાય। આપ વિચાર કરો, અમદાવાદ મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન, હાઈ સ્પીડ ટ્રેન તેજ ગતિથી જેમ ચાલી રહ્યું છે, વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર મુંબઈથી દિલ્હી સુધીનો, અને જેના કારણે લોજિસ્ટિક માટેની વ્યવસ્થા તેજ ગતિથી કામ ચાલી રહ્યું છે। આ બધાનો લાભ ગુજરાતના હાઈવે જ્યારે ચોડા થાય, ડબલ ટ્રબલ છેક લાઈન, આનો લાભ ગુજરાતના બંદરોની તાકાત વધારનારો બનવાનો છે। એર કનેક્ટિવિટી આજે ગુજરાતમાં ભૂતપૂર્વ વિસ્તાર જોવા મળે છે। અને રો રો ફેરી સર્વિસ, મને યાદ છે અમે નાના હતા ને છાપામાં વાંચીએ તો એમ થાય આ રોરો ફેરવી સર્વિસ શું છે? હું મુખ્યમંત્રી બન્યો મેં પૂછ્યું કે આ છે શું, કયા ખૂણામાં છે? બચપણથી સાંભળતા આવ્યા હતા, આજે રોરો ફેરી સર્વિસ ચાલુ થઈ ગઈ અને આ લોકો 350 કિલોમીટરના બદલે સુરતથી કાઠિયાવાડ આવવું હોય તો 8 કલાક બચીને ગણતરીના સમયમાં આપણે પહોંચી જઈએ છીએ। વિકાસ કેવી રીતે થાય એ આપણે આજે જોયું છે।
एमएसएमई गुजरात की सौथी मोटी ताकत तरीके उभरी है। आखा सौराष्ट्रनी अंदर एक जमानो हतो मीठा सिवाय कोई उद्योग नहीं, काठियावाड़ खाली थतो तो रोजी रोटी कमावा माटे कच्छ काठियावाड़ ना लोको ने हिंदुस्तान ना खूणे खूणे भटकवु पड़त तो। आज हिंदुस्तान ना लोको ने कच्छ काठियावाड़ आवानु मन थाय छे, बंदरो धमधमी रहा छे। आ गुजरात नी तासीर बदलाणी छे दोस्तों। आपणो मोरबी नो टाइल्स नो उद्योग दुनिया में डंको वागी रह्यो छे। अमारो जामनगर नो ब्रास नो उद्योग दुनिया में एनी पहुंच थई रही छे दोस्तों। हवे तो फार्मा इंडस्ट्री दवानी कंपनीओ, एक जमानामां सुरेन्द्रनगर पासे दवानी कंपनीओ आवे एना माटे गुजरातनी सरकारो भूतकाळमां एटला बधा लहणी करवानी जाहेरातो करी हती, काई थतुं नहोतुं। आजे दवानी मोटी मोटी कंपनीओ गुजरातनी धरती पर सौराष्ट्रनी धरती पर अड़ंगो जमावीने आगळ वधी रही छे। भाईओ अनेक क्षेत्रों एवा छे के जेमा गुजरात तेज गति थी आगळ वधी रह्युं छे। अने एटला माटे भाईओ बहेनो गुजरात औद्योगिक विकास ने जे के लाभ थाय एमा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एनु एक मोटू अभियान अपना आखा देश में उपाड्युं छे। अने सौराष्ट्रनी तो ओळख पण छे, अने काठियावाड़ी अमारी ओळख, अमारी कच्छनी ओळख, अमारी गुजरातनी ओळख, साहसिक स्वभाव, खमीरवंतु जीवन, पाणीना अभाव वच्चे पण जिंदगी जीवनारो गुजरातनो नागरिक आजे खेतीना क्षेत्रमां पण डंको वगाड़ी रह्यो छे। आ गुजरातनी ताकत छे भाईओ, अने ए ताकत ते प्रगतिना पंथे लई जवा माटे चाहे सरकार दिल्ली में बैठी हो के सरकार गांधीनगर में बैठी हो, आपणे चारे तरफ आगे आगळ वधी रह्या छे भाई। आजे ज्यारे आरोग्यनी आटली मोटी सुविधाओ अहींया वधी रही छे त्यारे मारा तरफथी आ विस्तारना बधा नागरिकोने शुभकामनाओ छे। अने आप विश्वास राखजो, हमणा भूपेन्द्रभाई वर्णन करता था पीएम जय योजना नु, आयुष्मान योजना दुनिया में सौथामां सौथी मोटी आयुष्मान योजना आपणे त्यां चाले छे। अमेरिकानी कुल जनसंख्या करता वधारे लोको एनो लाभ हिंदुस्तान में लए एवी योजना चाले छे। यूरोपना देशोनी संख्या करता वधारे लोको लाभ ले एनी योजना भारत में चाली रही छे। 50 करोड़ लोकोने आयुष्मान कार्ड द्वारा गंभीर में गंभीर बीमारी हो 5 लाख रुपया सुधी बीमारी नो खर्च सरकार उठावे छे भाईओ। आज भाईओ गरीबी अने गरीब ने पड़ती तकलीफों ये मारे चोपड़ी में नहीं वाँचवी पड़ी, टीवी ना पर्दा पर नहीं जोवु पड़ी। मने खबर छे के गरीब में जिंदगी केम जीवाती हुई। आजे पण आपणा समाज में माताओ बहनों मांदगी होय, पीड़ा थती होय, परिवार में कोई ने कहे नहीं, सहन कर्या करे, घरना काम पण करे, घर में कोई मांदू साचवे तो एने साचवे, पोताने थती पीड़ा नी वात अपनी मां बहनों कोई ने करे नहीं, अने खूब वकरी जाए तो ईश्वर ने प्रार्थना करे कि तू मने उपाड़ी ले, आ मारा कारण मारा छोकरा दुखी थाय छे। दीकरा दीकरी ने खबर पड़े के मां कई आपणे सारी हॉस्पिटल में जाइए कि सारवार कराइए, तर मां कहे कि भाई एटलू बधुं देवू थई जशे अने पछी हूं तो कहवा मारे केटलू जीववानुं छे, अने तमे देवाना डूंगर में डूबी जशो, तमारी तो पेढ़ी आखी डूबी जशे। हवे मारे जेटला दाड़ा भगवाने कह्युं छे हूं रहीश अने दुख भोगवीश, पण आपणे हॉस्पिटल नथी जवुं, आपणे देवू करीने दवा नथी करावी। अने आपणा देशनी माताओ बहेनो पैसाना अभावे उपचार नहोती करावती,
दीकरो देवा न डूबी जाए ना माटे थी ने हॉस्पिटल नोती जती ए माताओ दिल्ली में एक दीकरो एवो बैठो ए माताओ ने दुख न पड़े एमने ऑपरेशन नी जरूर होए पैसा ना भावे रोकाय नहीं एना माटेनु काम आयुष्मान योजना थी चलायुं छे। अने मने खुशी छे कि आ हॉस्पिटल में पण आयुष्मान कार्ड वाले आवनार व्यक्ति ने सरकार नी योजनानो पूरेपूरो लाभ मळवानी व्यवस्था थई छे अने एना कारणे कोई ने पोताना खिस्सामांथी रूपियो दईने दवा करावी पड़े एवा दिवसो नहीं आवे। आप विचार करो जनऔषधि केन्द्रों कुटुंब में मध्यम वर्ग नु कुटुंब हो बांधी आवक हो अने कुटुंब में एक वडील डायाबिटीस नो रोग हो मानो तो एने महीने 1200-1500-2000 रुपया नी दवा करावी पड़े कारण रोज एने इंजेक्शन लेव पड़े का गोलियों खावी पड़े। हवे आवी मोंगी दवाओ आम मध्यम वर्ग ना परिवार नु शू थाय। आपणे गुजरात हिंदुस्तान ने खूणे खूणे जन औषधि केन्द्रों खोल्या छे अने जे दवा महीने 2000 रुपया खर्चो थतो होय ये दवा 100 रुपया में मळे अने कोईने दवाना अभावे दुखी न थवू पड़े। आज आखा हिंदुस्तान में सैकड़ों की संख्या में जन औषधि केन्द्रों आपणे चलावी रह्या छीए अने जेना कारणे सामान्य मानवी सस्ता में दवा लईने पोतानी शरीर सुखाकारी माटे थईने कोई पण नवा बोज वगर व्यवस्था संभाळी सके छे। भाईओ बहनों स्वच्छता पानी पर्यावरण आ बधी बाबतो स्वास्थ्य माटे जरूरी छे। आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस स्वास्थ्यना माटे थईने आपणे चलावी रह्या छीए। मारी आप सौने आजे छे प्रार्थना छे आपनुं स्वास्थ्य उत्तम रहे तंदुरस्त रहो। आपणो गुजरात नो एक एक बाळक तंदुरस्त होय आपणी गुजरात नी आवती काल तंदुरस्त रहे एना संकल्प साथे आजे आ शुभ अवसरे समाजना सौ आगेवानोने हृदयथी अभिनंदन आपू छू। दाताओने अभिनंदन आपू छू ए दाताओनी माताओने अभिनंदन आपू छू जेमणे आवा संतानोने संस्कार आप्या मोटा कर्या जेमणे समाज माटे आवडुं मोटुं काम उभुं कर्युं छे ये सौने अभिनंदन आपीने आप सौने प्रणाम करीने आपे आटलो बधो प्रेम वरसाव्यो लाखों नी तादाद में आवी गर्मी में अहीं आपनो आवो आशीर्वाद एज मारी मोटी शक्ति छे एज मारी मूड़ी छे। हजारों बहनों आपणी परंपरागत काठियावाड़ी परंपरा प्रमाणे कलश माथे लईने तड़का में उभा रहीने जारे मने आशीर्वाद आपता हता आटली माताओ बहनों अने सर्व समाज नी बहनों पोताना घरनो अवसर होय एवी रीते जे रीते मने आशीर्वाद आप्या छे हुं ए बधी माताओ बहनों ने प्रणाम करू छू। एमना आशीर्वाद ने अनुरूप भारत नी सेवा गुजरात नी सेवा करतो रहू एज आपना आशीर्वाद रहे। खूब खूब धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। जोरदार तालियों ना।